हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आईबीपीएस, पता होगा आप लोगों को, बैंकिंग के सेक्टर में जो वैकेंसी होती है उनका एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। पर एसबीआई और आरबीआई बैंक को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी बैंक्स बचते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, या दूसरे जितने भी पीएसयू बैंक्स बचते हैं, उन सारे बैंक्स की जो वैकेंसी होती है वो एक जगह इकट्ठा करके उनका एग्ज़ाम जो है वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता। अब आप बोलोगे कि इस चैनल पर हम लोग सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स डिस्कस किया करते थे, तो आज बैंकिंग का एग्ज़ाम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। यहाँ पर डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें जीए इंक्लूड होगा। अमूमन बैंक के एग्ज़ाम में जीए इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिली है बच्चों की, कि सर रीजनिंग और मैथ्स तो किसी तरह से हम लोग कर ले जाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश होता है ये इंग्लिश ही हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है। तो इस एग्ज़ाम की बात अगर आप लोग करोगे तो थोड़ा सा अगर आप फोकस करते हो मैथ्स पे और रीजनिंग पे, तो टायर वन में तो आपको इंग्लिश मिलता ही नहीं है, और टायर टू में इंग्लिश के साथ साथ आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए है। आप मैथ्स और रीजनिंग के बल पे और जीए के बल पे अपना एग्ज़ाम और कट ऑफ क्लियर कर सकते हो इजीली। वैकेंसी भर भर के वैकेंसी है, 8 से 10 हज़ार के आसपास की अभी इनिशियल वैकेंसी इसके अंदर दिख रही है। बस इसमें ओवरऑल एसएससी की तरह वैकेंसी नहीं होता, स्टेट वाइज वैकेंसी रहेगा आपका, जिस रीजन से आप हो रीजन वाइज रहेगा, स्टेट वाइज रहेगा, और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। बाकी क्या क्या सैलरी भी अच्छी खासी होती है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस नोटिफिकेशन में, जो क्राइटेरिया होता है वो सारी चीज़ें, एग्जाम कब है, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक सजेशन लेना था, वो मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, उसका रिप्लाई आप नीचे कमेंट में दे देना। देखो, इस एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चंस और मैथ्स के क्वेश्चंस है, टायर वन में सिर्फ आपके दो ही सब्जेक्ट इसके अंदर होंगे, मैथ्स और रीजनिंग 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ, और बैंक से रिलेटेड जो बाकी आने वाले टाइम में इसमें क्लर्क की भी वैकेंसी आने वाली है, वो भी लगभग 8-10 हज़ार के आसपास आएगी 1-1.5 महीने के बाद, तो वो सारी अपडेट क्या मैं आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग एसएससी डिस्कस करते थे, या फिर उसके लिए और जो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में रीजनिंग और मैथ्स के, उसके लिए दूसरा चैनल क्रिएट करूं, उसका लिंक दूं, और दोनों के लिए सेपरेट चैनल रहने दूं, एसएससी अलग अपनी जगह और बैंकिंग अपनी जगह अलग। तो आप लोग नीचे बताओ कि अलग अलग चैनल रखूं या इसी चैनल पे बैंकिंग और एसएससी दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करते रहें। ठीक है, अभी आते हैं हमारे नोटिफिकेशन पे, उसका रिप्लाई आप नीचे कर देना। नोटिफिकेशन पे आते हैं नीचे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें जो जो होंगी नोटिफिकेशन की एक एक साथ देखते चलते हैं ताकि कुछ भी छूटे ना। पहली चीज, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इसमें कौन कौन से होते हैं? देखो, आंध्रा अपना कैनरा बैंक और यूनियन बैंक, उसी साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे जो बैंक्स होते हैं इनकी वैकेंसी आईबीपीएस ईयर के एंड में रिलीज करवाता है, और जो रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी बैंक्स होते हैं उनकी वैकेंसी उसके थोड़ा पहले आती है, जो वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है 8 से 10 हज़ार वैकेंसी के लिए। उसमें कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। देखो, आंध्रा बैंक आपको दिख रहा है, आंध्रा बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, उसी तरह बड़ौदा यूपी बैंक, इसी तरह जम्मू कश्मीर बैंक, सारी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। 45 बैंक इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 43 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, विदर्भा कोकण ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र से, तो उसके लिए आपको मराठी आनी चाहिए, यानी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, आप भी जिस भी स्टेट से अप्लाई करते हो उसके लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोटा मोटी आपको बताता हूँ पूरा पढ़ने से अच्छा। इसमें कितने तरह की जॉब है, देखो, स्केल 1, 2, 3 और साथ ही साथ क्लर्क। ठीक है, तो इसमें स्केल 1 और क्लर्क में आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए, जैसे सीजीएल के लिए होता है, किसी भी तरफ के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप स्केल 2 और स्केल 3 के लिए करोगे, ये मैनेजर लेवल की पोस्ट है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होगा, और स्केल 1 और जो क्लर्क है यहाँ पर कोई इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। टायर 1 टायर 2 एग्जाम देना है, इंग्लिश भी नहीं है उसके अंदर, और डायरेक्ट आपको सिलेक्शन अपना ले लेना है। टायर 2 और टायर 3 के लिए आपको स्केल 2 और स्केल 3 के लिए आप लोगों को एक्सपीरियंस भी 2 से 5 साल का होना चाहिए, यानी जो पहले से वर्किंग है उन लोगों के लिए है। नॉर्मल जो हमारे आपके जैसे बच्चे होते हैं वो स्केल 1 और क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए।
स्केल 3 के लिए 50% होता है। हाँ, एज क्राइटेरिया जो सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, जिसकी कन्फ्यूजन होता है, वो ये कि अगर आप सीनियर मैनेजर के लिए यानी स्केल 3 के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ आप स्केल 2 यानी मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो तो 21 से लेकर 32 के लिए एज क्राइटेरिया आपका होगा। और मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे इन दोनों में ही नहीं आते होंगे, सीनियर मैनेजर और जो क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस का वो नहीं करेंगे। हमारे लायक जो जॉब है वो ये है, स्केल 1 की और क्लर्क की। यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेके 30 साल और 18 से लेके 28 साल। डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं बताऊँ तो 2/7/1992 के पहले आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 1/7/2002 से बाद आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए क्लर्क के लिए। और स्केल 1 के लिए बात करेंगे तो 3/7/1990 के पहले आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 30/6/2002 के बाद आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए। पे थोड़ा सा फ़र्क है, इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन में दोनों की एप्लीकेशन फ़ीस भी अलग अलग है। आपकी सैलरी की बात अगर मैं करूँ तो जो क्लर्क है यहाँ पर सैलरी आपकी 22,000 के आसपास स्टार्टिंग होती है और जो स्केल 1 है वहाँ पर आपकी सैलरी लगभग 30,000 से ऊपर ही स्टार्टिंग में ही मिलेगी आपको। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों के लिए आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो नॉर्मली जो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से मिलता है वही है, नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है इसलिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ इसमें टायर 1 के मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं होते, टायर 2 में क्वालिफाइंग नेचर का वो होता है, ठीक है। और क्या है, गाइडलाइंस वगैरह दी गई है कि आपको वहाँ पर मास्क वगैरह यूज़ करना है और सेतु ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, आपका 99 डिग्री से ज़्यादा आपको बुखार नहीं होना चाहिए वरना आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये तो मैंने आपको अभी बता चुका, देख सकते हो आप स्केल 2 स्केल 3 के लिए 2 ईयर 1 ईयर एंड 5 ईयर का आपको क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, ठीक है। बाकी क्लर्क जो है, क्लर्क के लिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया है, स्केल 1 के लिए ग्रेजुएशन किया है तो काफ़ी है। एप्लीकेशन फ़ीस तो SSC से मुकाबले में बैंकिंग का एप्लीकेशन फ़ीस हमेशा से ज़्यादा ही रहता है, तो यहाँ पर अगर आप SC ST से हो तो 175 रुपीज़ है, बहुत का फ़र्क आता है। अनरिजर्व से हो तो 850 रुपये आपको भरने होते हैं, बहुत का डिफरेंस है बट ठीक है चलो। ऑफिस असिस्टेंट इसीलिए कर रहे हो आप अप्लाई, ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो 850 अनरिजर्व के लिए और 175 अगर आप किसी कैटेगरी से हो SC ST PWD इन सब के लिए होता है, ठीक है। आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बस दोनों के लिए फिर अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस आपको लगेगी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बता रहा था मैं वो ये है, यहाँ पर देखो आप ये टायर 1 का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है क्लर्क के लिए जिसके लिए और स्केल 1 के लिए जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40-40 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40-40 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम अलॉट किया जाएगा 45 मिनट्स। और अमूमन बैंकिंग एग्जाम में देखा जाता है कि सेक्शन वाइज टाइम मिलता है, मगर यहाँ पर सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं है, 45 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे और 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें से जितना होगा उतना आप लोगों को करना है। किस तरह से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो, ठीक है। नीचे दोनों का स्केल 1 का भी सेम पैटर्न है। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हो और वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अब सेकंड आपका सिलेक्शन जो मेरिट आपकी बनती है वो बनती है टायर 2 के बेस पे। तो टायर 2 में आपका क्या आता है, सबसे पहले देखो रीजनिंग 50 मार्क्स के लिए आएगा, इंपॉर्टेंट पहले बता देता हूँ आपको, न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स के लिए, यानी 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है जिसमें आपके 4 से 5 सब्जेक्ट हैं और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद आपके 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के एकदम बेसिक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद GA के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के लिए। उसके बाद बचता है आपको देखो 4A और 4B को स्टार किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आपको क्या चाहिए, अगर आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है तो आपका इंग्लिश मतलब लैंग्वेज है, आप ये मत सोचो कि रीजनिंग आपका वहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में आ जाएगा सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। लैंग्वेज जो पेपर होता है, लैंग्वेज क्वेश्चन एक होता है जो, उसमें आपको इंग्लिश का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है या हिंदी का सिलेक्ट करना है ये चूज़ कर लेना है। 40 क्वेश्चन आएंगे उसके और 40 मार्क्स के लिए रहेगा, तो काफ़ी बड़ा वेटेज है। सिर्फ आप रीजनिंग मैथ्स और हिंदी करके 140 नंबर यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स के लिए है और GA आपका 40 मार्क्स के लिए है। 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर अलॉट किया गया है और वापस से दोबारा सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं दी है, डायरेक्ट टाइमिंग आपकी ओवरऑल दी गई है। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर आउट ऑफ निकाल के आप बाकी जगह थोड़ा कम भी कट ऑफ क्लियर करते हो तो भी चलेगा। स्केल 1 के लिए भी सेम पैटर्न है,
ठीक है। हाँ, उसके बाद किन किन लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस शो होंगे वो बताया हुआ है, जिस स्टेट से हो उस स्टेट की लैंग्वेज होगी। जैसे आप अगर आंध्र प्रदेश से हो तो आपको इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में इन तीन लैंग्वेजेस में ये होगा क्वेश्चंस से शो होंगे। गुजरात से हो तो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में भी शो होंगे। अगर जम्मू कश्मीर से हो तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में शो होंगे, ठीक है। तो जो भी आपका स्टेट है वहाँ के हिसाब से, जैसे महाराष्ट्र से अगर हो तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी और उसके साथ साथ कोंकणी में भी आपके शो होंगे। स्केल टू और स्केल थ्री डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिलेक्टेड बच्चे तो नहीं ही होंगे हमारे पास, ठीक है। पेनल्टी बाय नेगेटिव मार्किंग, तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। कट ऑफ स्कोर, तो कट ऑफ बता दिया मैंने, टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, टायर 2 में आपका सिलेक्शन डायरेक्ट होगा, उनके मार्क्स के बेस पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मैनेजर लेवल के लिए सिर्फ इंटरव्यू होता है, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह बताया हुआ है, तो वो आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम चेक कर लोगे। और क्या इंपॉर्टेंट चीज बचती है इसमें, इंपॉर्टेंट डेट्स अभी तक नहीं मिले ना हमको एग्जाम के, ठीक है, काफी नीचे है, चेक करते हैं। आई थिंक यहाँ तक का जो जो इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ हो चुका। हाउ टू अप्लाई, तो IBPS की वेबसाइट पर जाना है, वहां से आप लोगों को अप्लाई करना है। फोटो आपको लेटेस्ट फोटो लगानी है अपनी। फीस वगैरह तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। मोड ऑफ पेमेंट, तो वही आपका चालान और ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप। नीचे डेट्स कहाँ गई, आई थिंक डेट्स ही बच रही है, कोई और कन्फ्यूजन होगा तो नीचे आप लोग पूछ लेना, ठीक है। डेट्स पे आ गए हम लोग, डेट्स क्या दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ है 1 तारीख से, यानी कल से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको टाइम मिल रहा है, अगर पेमेंट के लिए भी सेम ही डेट दी गई है 21 तारीख तक, यानी 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। बाद में जाके सर्वर का प्रॉब्लम होता है और पूरे स्टार्टिंग के 6 महीने से बच्चे यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम की वेट कर रहे थे, सब लोग इस फॉर्म को भरेंगे तो रश काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, सर्वर में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 8वें महीने में कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है अगस्त में, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में, यानी सितंबर अक्टूबर, सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के स्टार्ट में आपके एग्जाम्स होंगे। यानी अभी से यहाँ से 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, सफिशियंट टाइम है। अगर आप लोग बोलते हो तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूंगा, बस इस चैनल पे करना है या नया चैनल के लिए क्रिएट करना है या आप लोगों को बता देना, क्योंकि बहुत से बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है बैंकिंग में, तो आप SSC से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करो, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो जिसमें इंटरेस्टेड है उनका अलग कर दूँ, या आप लोग दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहीं पे करूँ, या आप लोग सजेशन दोगे, ठीक है। नीचे आपका टायर 2 का एग्जाम जो होना है उसके लिए काफ़ी कम टाइम आपको मिल रहा है। अक्टूबर नवंबर में टायर 2 का एग्जाम होगा और सितंबर अक्टूबर में टायर 1, यानी 1 महीने का। और अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, आप टायर 1 क्लियर कर लोगे, तो टायर 2 के लिए भी आपको अभी से ही तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो नियर अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। वैकेंसी कहाँ पर कितनी है ये देखो, इस तरह से है नोटिफिकेशन में, आप जाके देख सकते हो। आंध्र प्रदेश में कौन से बैंक इंक्लूड होते हैं उनकी लिस्ट, उसके बाद ST, SC, OBC, WS और अनरिजर्व के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, सबकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो आपका जो स्टेट है वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे बिहार में कम वैकेंसी है, 23 वैकेंसी है, बहुत से स्टेट है जहाँ पर 0 वैकेंसी है, और काफ़ी स्टेट है जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे गुजरात में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 82 वैकेंसी गुजरात में आ जाती है। महाराष्ट्र में 76 वैकेंसी आ रही है। उसी तरह से सिर्फ 1 वैकेंसी है नागालैंड में। पुंडिचेरी में आपकी 4 वैकेंसी मिल रही है। पंजाब में 46, तमिलनाडु में 113 भरपूर वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसी दिख रही है आपकी, 396, 276, 88 काफ़ी भर के वैकेंसी है वहाँ पर, तो अप्लाई कर सकते हो। आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बस ये है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म जरूर भरो, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।